अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा यूट्यूबर और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंटेंट टीवी। दोस्तों, मैं आज फिर एक नई और हैरत अंगेज वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। जी हां दोस्तों, मशहूर ज़माना शरबत रूह अफ़ज़ा, ये सबसे पहले किसने तैयार किया, कहां से बनना स्टार्ट हुआ, इन्हीं राजों से पर्दा उठाने के लिए आज की वीडियो आपकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये दौर था 1906 का, जब तमाम हिंदुस्तान पर ब्रिटिश राज था। वहीं पर 1906 दिल्ली के मशहूर लाल बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, जिसे अब्दुल मजीद नामी एक शख्स चलाते थे। दोस्तों, इस छोटी सी दुकान का नाम हमदर्द शॉप था, जो बाद में पाकिस्तान का हमदर्द के नाम से बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। दोस्तों, कहा यह जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने मशरूबात के अड्डे यानी अल्कोहल की दुकानें खोलनी शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेज़ों को मशरूब में सिर्फ अल्कोहल पसंद थी, जबकि अब्दुल मजीद ने यह सोचा कि इससे हिंदुस्तान के लोग भी अल्कोहल की तरफ माइल होने लग जाएंगे। बस दोस्तों, फिर क्या था, अब्दुल मजीद मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और फलों के मुरक्कब से रूह अफ़ज़ा का शरबत बना डाला। उन्होंने ये शरबत का फार्मूला यूनानी जड़ी बूटियों से तैयार किया, जो हीट स्ट्रोक का मुकाबला करे और जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करे। दोस्तों, एक मुसव्विर मिर्ज़ा नूर अहमद ने 1910 को रूह अफ़ज़ा का लेवल तैयार किया। रूह अफ़ज़ा अपनी तैयारी के एक माह बाद ही पूरे बरसगीर में मशहूर हो गया। दोस्तों, अब्दुल मजीद के दो ही बेटे थे। 1947 में बड़ा बेटा अब्दुल हमीद इंडिया में ही रह गया, जबकि बेटा छोटा हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1948 को पाकिस्तान के शहर कराची में आके आबाद हो गया। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि हकीम मोहम्मद सईद को रूह अफ़ज़ा का फार्मूला याद था, तो इसने अपने दो कमरों के मकान से ही हमदर्द नाम की एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की और आखिरकार 1953 में ये शरबत पूरे पाकिस्तान की जान बन गया। दोस्तों, मज़ीद ये जानकर आपको हैरत होगी, 2019 में यानी हाल ही में हमदर्द पाकिस्तान के चेयरपर्सन मोहम्मद सईद की बेटी सादिया सईद के मुताबिक इनके वालिद ने ये कारोबार बांग्लादेश के लोगों को भी तोहफे में दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और रूह अफ़ज़ा के बारे में इतनी अहम मालूमात शायद ही आपको पहले किसी ने दी हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।